चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 सर्कल, ठीक है, नाइन्थ क्लास। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्कल क्या होता है। ठीक है, सर्कल देखिए क्या होता है। सर्कल की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एट कॉन्स्टेंट या सेम डिस्टेंस। ठीक है, सर्कल क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कहां से, एक फिक्स्ड पॉइंट से, एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पर जब कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है तो उसे हम बोलते हैं सर्कल। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात कर लें, ये हमारा ओ एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है, इससे एक डिस्टेंस पर, जैसे ये डिस्टेंस पर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इस तरीके से आप कलेक्शन ऑफ पॉइंट लगा दोगे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट कर दोगे, है ना। लेकिन इस पॉइंट से इन सब का, सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो कैसा है, सेम कांस्टेंट डिस्टेंस है। कैसा है, कांस्टेंट। तो उसी को हम बोलते हैं सर्कल, क्योंकि देखो हर एक से डिस्टेंस कैसा है, बराबर। तो अगर बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, एक सर्कल। सर्कल के पॉइंट्स में क्या होता है, सेंटर से बराबर दूरी होती है ना पूरे सर्कल में, यही तो होता है, सेम डिस्टेंस, रेडियस सेम ही तो होता है पूरा, तो वही क्या बोला जाता है, सर्कल। सर्कल अगर हम बच्चों से पूछते हैं तो बच्चे के तो बहुत सारी चीजें बताते हैं, गोला, पैसे को बता देंगे, बॉल को बता देंगे, बहुत सी गलत गलत चीजें बता भी देते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल में सर्कल देखा जाए वो ये है। ठीक है, सर्कल हमारा जो होता है। अच्छा, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं सर्कल में इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं, टर्म्स। ठीक है, जैसे कि सर्कल का सबसे पहले अगर हम बात करें, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर, एक ही बात होती है। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, 2πr। ये जो सर्कल की बाउंड्री है इसे हम सर्कल का सर्कमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस सर्कल का। ठीक है, और क्या होता है, सेंटर होता है, और ये जो पूरा है, ये यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, डायमीटर। क्या कहलाता है, जैसे अगर इस डिस्टेंस को नाम दे दूं मैं ए बी, तो ये ए बी जो है वो क्या कहलाएगा, इसका डायमीटर, इस सर्कल का। ठीक है, ये सभी जानते हैं, बच्चों वाली चीज है। ठीक है, और इसका हाफ जो होता है, डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। ठीक है, इसीलिए डायमीटर को मैं 2R लिख सकता हूं, और रेडियस को अगर हम देखें तो डी अपॉन 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है, इतनी बात सभी को समझ में आ रही है भाई, है ना। और देखेंगे, लिखने का समय आपको मिल जाएगा, इधर देख लो, जरा 2 मिनट का काम है। उसके बाद अगर हम बात करें, सर्कमफेरेंस हो गया, डायमीटर हो गया, अगर कॉर्ड होती है बात, कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड जो है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही होती है, उस लाइन को हम बोलते हैं कॉर्ड। और बहुत सारी कॉर्ड हो सकती है सर्कल के अंदर, है ना, टच कर रही होती है दो बाउंड्रीज पे, दो जगह पर, दो पॉइंट्स पे टच करती है, उस लाइन को हम बोलते हैं कॉर्ड। और डायमीटर भी एक कॉर्ड है, लेकिन वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड कौन सी है सर्कल की, डायमीटर। ठीक है, अच्छा फिर आती है बात सीकेंट की। सीकेंट देखो क्या होता है, ऐसी लाइन जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पर टच करके बाहर निकल रही है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे एल लाइन, ये 2 पॉइंट पर, ए पर और बी पर कट करके बाहर, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है। ये तो सिर्फ टच कर रही थी, लेकिन ये क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है इसको, क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। ठीक है, ये से हम बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं, सीकेंट। और देखिए टेंजेंट की बात करते हैं हम लोग, टेंजेंट क्या होता है, ये जो 10th में इसके ऊपर बहुत अच्छा टॉपिक है हमारे पास टेंजेंट का, लेकिन आप समझ लें, टेंजेंट देखिए क्या होता है कि सर्कल को, ऐसी लाइन जो कि सर्कल को 1 पॉइंट पर कट करती है,
बाहर से, अंदर से नहीं, क्योंकि अंदर से अगर जाएगी आप जानते हो कोई भी लाइन अगर मान लो अंदर से गई सर्कल के तो दो पॉइंट पर टच करेगी, एक पॉइंट पर टच नहीं कर सकती। तो जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करती है, एक पॉइंट पर ओनली, ठीक है, जैसे ये। और बहुत सारी पैरेलल इसमें दो ही होती है, ये इसके पैरेलल हो सकती है, इधर से ऐसे बन सकती है, ठीक है। और कितनी भी टेंजेंट बना सकते हो तुम इसके ऊपर, कितनी भी, देखो कितनी भी, सब एक पॉइंट पे तो टच कर रही है इसको, इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हो सर्कल के ऊपर, कितनी, इनफाइनाइट, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये हमारी क्या है, टेंजेंट्स कहलाती है, ठीक है। टेंजेंट्स होता क्या है, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल इन एग्जैक्टली वन पॉइंट, जो सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच करे उसे हम बोलते हैं टेंजेंट, समझ रहे, ठीक है, हाँ। अच्छा, इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है सर्कल का, देखो ये सब बचपन में पढ़ चुके हो तुम लोग, कॉर्ड सीकेंट वगैरह, तो इसलिए इतना ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बस याद दिलाने के लिए मैं आपको रिवीजन के तौर पे ये बता रहा हूँ, ठीक है। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है सर्कल का, अगर सर्कल के अंदर कोई है पॉइंट, जैसे पी पॉइंट, तो इंटीरियर हो जाएगा, सर्कल के बाहर है, सर्कल के बाहर वाला पार्ट कौन सा, यही तो है सर्कल के बाहर वाला पॉइंट है ना, अगर पार्ट एक पॉइंट रख लेते हैं तो सर्कल के बाहर ही पॉइंट है, ठीक है। तो एक्सटीरियर इंटीरियर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको जरा लिख लो, दो मिनट दे रहा हूं, देखो जल्दी। चलो अब हम लोग देखेंगे कि हमारा जो कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है इसमें, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स देखिए क्या होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स अगर हम देखें तो डायग्राम से अगर समझेंगे तो ऐसे सर्कल्स, ऐसे दो सर्कल जिनका सेम सेंटर होता है, समझे, दो सर्कल्स का सेम सेंटर होता है उसे हम कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। देख लो आप, दो सर्कल है ना, और सेंटर क्या है दोनों का, सेम, एक ही तो सेंटर है, तो इसे हम बोल रहे हैं क्या, कंसेंट्रिक सर्कल्स, क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल, समझ रहे, यस सर, ये हमारा कंसेंट्रिक सर्कल होता है, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं जिससे याद रहे, सर्कल्स विच हैव द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियस, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स, क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब आगे देखेंगे हम लोग कि आर्क क्या होती है, आर्क, व्हाट इज द आर्क। वैसे तो हम बोल सकते हैं कि सर्कल को जन्म देने वाली आर्क है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर्कल का एक छोटा सा पार्ट आर्क कहलाता है। जैसे कि अगर हम एक सर्कल है, ठीक है, इसको अगर हम सर्कल को यहां से ऐसे मिटा दें तो ये स्माइली फेस बना है ना, ये दिस इज द आर्क, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट आर्क कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि सर्कल भी आर्क है, लेकिन कैसा आर्क है, क्लोज्ड आर्क, कैसा आर्क है, क्लोज्ड आर्क। सर्कल को हम अगर ऐसे भी बना देंगे ना, ये भी बना देंगे, ये भी आर्क है, समझे, ये भी क्या है, आर्क, ठीक है। तो आर्क ये होता है, देन उसके बाद में अगर हम, ये हमारा हो गया क्या, आर्क। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे अगर अब ये है, ठीक है, इस पॉइंट को यहां पे नाम देते हैं सी, तो ए सी बी, तो ये हमारा इस तरीके से आर्क का साइन ये होता है, रिप्रेजेंट करने का। आर्क को हमें लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे ए सी बी और ऊपर ये डैश, ठीक है, ये आर्क को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक। अच्छा अब देखिए जरा, अब आती है बात कॉन्ग्रेंट आर्क्स, किसकी, कॉन्ग्रेंट आर्क्स क्या होते हैं, ऐसे आर्क, ऐसे दो आर्क जिनके, जो कि सेंटर पर सेम एंगल बना रहे हो, जो कि सेंटर पर सेम एंगल बना रहे हो, वो हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंट आर्क्स।
ठीक है। जैसे कि मान लो दो सर्कल है हमारे पास और ये हमारी क्या है आर्क्स है इतनी, ये जो डार्क है ना हमारा पार्ट, ये क्या है हमारा आर्क ए सी बी सी सॉरी ए सी डी ई एफ ठीक है, और ये हमारा सेंटर। तो अगर देखो ऐसा हो गया कि इनके दोनों के बीच के जो एंगल हैं मान लो 30 डिग्री और 30 डिग्री, तो इनके बीच के जो एंगल हैं वो कैसे हैं, सेम हैं, तो हम क्या बोल देंगे कि ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। और रेडियस तो हो भी सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। अब आती है बात सेमी सर्कल की, सेमी सर्कल देखिए क्या होता है कि एक डायमीटर जो कि सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक ऐसी कॉर्ड जो कि सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है वो सेमी सर्कल कहलाता है। तो ज्यादा सेमी सर्कल पे हम बात नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ये, ठीक है। अभी देखिए क्या है सेगमेंट, माइनर सेगमेंट समझते हैं, माइनर सेगमेंट क्या है फॉर्म डायग्राम के थ्रू और मेजर सेगमेंट क्या है, ठीक है। ये आर्क और जो कॉर्ड, कॉर्ड और जो आर्क मिलके जो एरिया कंटेन करते हैं उसे हम माइनर सेगमेंट कहते हैं, समझ रहे हैं। कॉर्ड और आर्क मिलके जो एरिया बनाते हैं उसे हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो बचा हुआ ये है ना ये हमारा मेजर सेगमेंट, मतलब ये माइनर और ये बचा हुआ है वो मेजर सेगमेंट, बस इतना था, समझ रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा बताना आपको जरूरी है जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, जरा इन्हें बना लीजिए, थोड़ा सा नोट कर लें। अब हम बात करेंगे सेक्टर की, ठीक है, सेक्टर देखिए, सेक्टर जो होता है वो क्या होता है, जो आर्क होती है वो सेंटर के साथ में जो एरिया कवर करती है लाइक दिस, ये वाला ओ ए बी, ये होता है सेक्टर, ठीक है, मतलब हम समझ सकते हैं कि केक का कटा हुआ पार्ट, ठीक है, जब हम हैप्पी बर्थडे मनाते हैं किसी का तो फिर उसमें से इतना ही पार्ट कट करते हैं ना केक में से, तो वो जो कट किया हुआ पार्ट है वो क्या है, सेक्टर है, ठीक है। जैसे कि ये, अब ये कुछ एंगल भी बना रहा होगा, जैसे मैंने बताया था आर्क एंगल भी बनाती है सेंटर पे, ठीक है, तो ये सेक्टर होता है, और ये बचा हुआ पार्ट है वो हो जाता है मेजर सेक्टर, क्या कहलाता है वो, मेजर सेक्टर, समझ रहे हैं, ये माइनर सेक्टर वो मेजर सेक्टर, ठीक। अच्छा, किसी सर्कल को अगर हम लोग फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं, उसके एक पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, समझ रहे हैं, एक पार्ट को, इसमें हमेशा एंगल क्वाड्रेंट में कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, कितने का बनाएगा ये 90 डिग्री, मतलब एक सर्कल को अगर हमने फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेंट, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हम आएंगे थ्योरम, ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा थ्योरम से स्टार्ट करते हैं इसके, अब थोड़ा सा हम इसमें सेक्टर सर्कल थ्योरम, अब इसके लिए हम थोड़ा सा थ्योरम्स कर लेते हैं जरा। तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी की 10.1 थ्योरम देखेंगे, कौन सी देखेंगे, 10.1 एनसीईआरटी की थ्योरम। देखिए थ्योरम क्या कह रही है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स
एट द सेंटर। ठीक है, क्या बोल रही है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। बोल रहा है कि एक सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड है, क्या है, टू इक्वल कॉर्ड्स है। ठीक है, जैसे हम बना लेते हैं, यहां पर डायग्राम बना लेते हैं, समझ में आ जाएगा। अभी सर्कल में टू इक्वल कॉर्ड्स है, ठीक है, ये, और ये हमारा क्या है, सेंटर। ठीक है, तो ये हमारा ओ पॉइंट और ये ए, और ये हमारा ए बी और ये सी डी। ठीक है, देखो ए बी और सी डी ये दोनों कॉर्ड्स हैं, लेकिन कैसी कॉर्ड है बताओ, इक्वल कॉर्ड्स है। कैसी है दोनों एक दूसरे के, इक्वल, मतलब ये वाली कॉर्ड इसके इक्वल है। ठीक, और आपसे बोला है कि ये जो एंगल है दोनों, ये आपको इक्वल प्रूफ करते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि अगर हिंदी में हम इसको समझें कि जो हमारे सर्कल में जब दो इक्वल कॉर्ड होंगी और वो सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी सेंटर के साथ, तो हमेशा कैसे इक्वल, कैसे एंगल बनाएंगी, इक्वल, कैसे एंगल बनाएंगी, इक्वल एंगल बनाएंगी। ठीक है, तो चलो देखो जरा, अगर हम बात कर लेते हैं इसकी, तो गिवन क्या है हमारे पास, अ सर्कल विद सेंटर ओ और ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन है, ए बी और सी डी के बराबर कॉर्ड हमें गिवन, इक्वल गिवन है। और देखिए क्या होगा, प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव ये एंगल वन मान लेते हैं, इसको एंगल टू मान लेते हैं, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो जरा प्रूव में क्या करेंगे हम, तो इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल कौन से है भाई, ए ओ बी और सी ओ डी, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ये हमारे पास में दो ट्राइंगल है। ठीक है, यस सर। अब देखिए इनको करेंगे कैसे हम लोग, तो सबसे पहले तो देखो हमें दिख रहा है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये हमें क्या है, इक्वल गिवन है, सही है। और देखो आप ए ओ और ओ डी क्या है, ये कैसे, ज्यादा, हाँ दोनों रेडियस है, मतलब सेम रेडियाई, और ये भी देखो रेडियस है ओ बी और ओ सी, yes, है कि नहीं, दोनों रेडियस है ये, तो हम बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवेन, और ओ ए इज इक्वल टू ओ डी सेम रेडियाई। सर और बता रहा हूं बेटा, पूछो अभी पूछो, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी सेम रेडियस, हाँ बोलो क्या कह रहे हो, ये बताओ। ठीक है, तो ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ डी, तो जो आपका ट्राइंगल है वो किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट हुए दोनों, एस एस एस, साइड साइड साइड। ठीक है, तो हमारा ये हो गया, तो हम बाय सी पी सी टी एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू बोल सकते हैं बाय सी पी सी टी। तो अब ये प्रूव हो गया कि जो इक्वल कॉर्ड्स होंगी वो हमेशा सेंटर पे इक्वल एंगल्स ही सबटेंड करेंगी, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, यस सर। और इसका उल्टा भी हो जाता है, यही इसी की अगर इन्वर्स कर लेंगे तो क्या होगा कि अगर किसी एंगल पे, किसी सेंटर पे दो इक्वल एंगल हैं और वो अगर जो जो कॉर्ड सबटेंड कर रहे हैं तो वो कॉर्ड भी इक्वल होंगी, उल्टा इसका। अभी क्या हो रहा है कि कॉर्ड इक्वल है तो एंगल इक्वल कर लिए, अगर एंगल इक्वल होंगे तो कॉर्ड भी इक्वल हो सकती है, समझ रहे हैं, दोनों चीजें, ये दो रीजन मिल गए आपको कि हम कॉर्ड इक्वल होंगी तो एंगल इक्वल बोल सकते हैं और एंगल इक्वल होंगे तो कॉर्ड इक्वल बोल सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं बात को। ठीक है, ये दो इनवर्स हो सकता है, ये नोट हुआ, यस सर। अच्छा ठीक है,